वेलकम गाइस, तो हम आज बात करेंगे जहा हदीद, जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट हैं और इनके द्वारा बनाई गई टॉप 10 मोस्ट फेमस बिल्डिंग। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1950 बगदाद इराक में हुआ था। एक मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करती हैं। इन्होंने लंदन द आर्किटेक्चर एसोसिएशन ऑफ द आर्किटेक्चर स्कूल से पढ़ाई की है और ये एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्ट हैं। इनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स बहुत ही फेमस हैं। इनको 2016 में पुलित्ज़र अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि वास्तुकला से संबंधित है। इनके द्वारा किए गए इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर होते हैं। इनकी एक खुद की कंपनी है जिसके ऑनर ये जहा हदीद हैं। हम बात करेंगे टॉप 10 बिल्डिंग के बारे में। हुसैनबर्ग पिज़्ज़ा हाइब्रिड, इसके बारे में इसके कुछ पिक्चर्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इंटीरियर इसका कितना बेहतरीन लुक इस बिल्डिंग का इंटीरियर है, कुछ इस तरीके से टोपोग्राफिकल सर्विस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया हुआ है। हम 9th नंबर में कौन है, प्रेसिस वाइब्स। इसका इंटीरियर, इसकी डिज़ाइन, इसकी लुक आप लोग अमेजिंग कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से बनी होगी। अब बात करते हैं नंबर 8, द दंग्यान डिज़ाइन प्लाजा। 2014 में इसका निर्माण हुआ था। इसके अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए पूरी वीडियो को और आर्किटेक्ट लाइफ को अपने अंदर या किस प्रकार से हम लोग उसको मेंशन करें ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 पे जो बिल्डिंग आती है, वो कौन सी बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग है लंदन कॉटेक्स सेंटर। 2011 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। ये बाहर से देखने पर ऐसी कुछ मालूम देती है और इसका इंटीरियर जहा हदीद जो है, वो एलिवेशन और इंटीरियर का इतना अच्छी तरीके से है, पूछ सकते हैं। 6 नंबर पे मैक्सी होम, इसका इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग। इंटीरियर इज वेरी गुड। टॉप 5वें नंबर पे है हर रेवेस म्यूजियम। 2011 में भी इसका निर्माण हुआ था। इसका इंटीरियर जहा हदीद इंटीरियर के मुकाबले बहुत ही अच्छी हैं। एलिवेशन भी उनका इतना गजब का रहता है। नंबर 4, इनोवेशन टावर। 2013 में इसका निर्माण हुआ है। इन्होंने, जहा हदीद जी ने ही इस बिल्डिंग का निर्माण कराया है। इसके आर्किटेक्ट हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, इसका गजब का लुक है भाई। नंबर 3, कंगजाओ ओपेरा हाउस, देख सकते हैं एलिवेशन इंटीरियर, और ये बहुत ही बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन है। इसमें समथिंग 8 से 10 लिफ्ट लगी हुई हैं, जो जीना होता है वो चीज़। इंटीरियर इसका बहुत ही खास है, एलिवेशन भी इसका बहुत ही खास है। नंबर 2, गैलेक्सी सॉइन बीजिंग, कितना अच्छा लग रहा है नाइट के समय में। इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर स्ट्रक्चर आप लोग देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर देखिए। अब नंबर 1 की बात करते हैं, प्लैंक अहेज सेंटोरिन बारो। ये एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है जहा हदीद के द्वारा, देख सकते हैं आप लोग। फेमस, वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है ये, और इसके इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। इनका जो आयुकाल रहा है 1950 से 2016 के बीच में रहा है। जहा हदीद बहुत ही
ब्रिलियंट और अच्छी तरीके से मेंशन की गई एक आर्किटेक्ट हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।